नमस्कार मित्रों, मित्रों कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंद में होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस औषधि के बारे में बताने वाले हैं, वो औषधियों का, गुणों का, पौष्टिक तत्वों का खजाना है। इसमें सैकड़ों तरीके के विटामिन, मिनरल्स, पौष्टिक तत्व और इशेंशियल प्रॉपर्टीज़ भर भर के होती हैं। यदि आप इनका रेगुलर बेसिस पर सेवन कर सकें तो इससे होने वाले आप सैकड़ों फ़ायदों को लेंगे। अपने शरीर में जो कमियां आ गई हैं, जो विटामिन्स और मिनरल्स की जो कमियां आ गई हैं, उनकी प्रतिपूर्ति में, उनकी पूर्ति में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल नेचुरल है। आपको गंदी गंदी महंगी महंगी दवाओं को खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रेगुलर बेसिस पर नियमित रूप से आप इसका यदि सेवन करते हैं तो इसी से आपको सैकड़ों फ़ायदे मिलेंगे। इसी से आप तरह तरह की जो भयंकर बीमारियाँ उनसे बच पाएंगे। मित्रों, हम बात कर रहे हैं इलायची के बारे में, कोरिएंडर के बारे में। इलायची हमारे आयुर्वेद की एक बहुत ही खूबसूरत सी औषधि है और इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने के दौरान, अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग करते हैं। इसकी चाय बनाकर पीते हैं, इसका काढ़ा बना के पीते हैं, कई सारी मिठाइयों को बनाने में, सब्जियों को बनाने में और भी बहुत सारे सैकड़ों तरीकों से हम लोग इलायची का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आप इसका उपयोग औषधि की तरह करते हैं, इसका उपयोग यदि आप दवाई की तरह करते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे इसेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि आपके शरीर को मजबूत करेंगे, आपको निर्विकार करेंगे, आपके शरीर को रोगों से बचाएंगे, आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बलवान बनाएंगे। साथ ही जो सैकड़ों बीमारियां हैं उनसे आपकी दूरी बनाए रखने में ये औषधि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। बात करें इसमें पाए जाने वाले इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B6 जैसे इसेंशियल प्रॉपर्टीज़, खनिज पदार्थ बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो कि आपको किसी अन्य एलोपैथिक दवाइयों में नहीं मिलेगा। एलोपैथ की दवाएं बहुत महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक होते हैं क्योंकि ये केमिकल के द्वारा बनाई जाती हैं, केमिकल्स का कंपाउंड होती हैं ये, और केमिकल्स हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। हमारा शरीर नेचुरल केमिकल्स पर डिपेंडेंट है और ये आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं। तो इन दवाओं के सेवन से बचें, इनके सेवन से बचें और हो सके उतना अधिक से अधिक अपनी प्राकृतिक दवाओं पर, अपने प्राकृतिक नेचर पर डिपेंड होना शुरू करें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, लंबी आयु को प्राप्त होंगे और जीवन प्रयत्न स्वस्थ रहेंगे आप, ठीक है। बात करें इससे होने वाले अद्भुत फ़ायदों की, तो ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यदि आप रेगुलर बेसिस पर इसका सेवन करते हैं तो ये आपके बालों को हेल्दी करता है, आपके बालों को स्ट्रांग बनाता है, बालों में जो थिकनेस आ जाती है, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, उन सारी कंडीशंस में, उन सारी समस्याओं में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बालों को हेल्दी रखता है, बालों को पोषित करता है, बालों को पोषण देता है। इसलिए इसका रेगुलर बेसिस पर सेवन ज़रूर करें, ये बालों को ओवरऑल हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो यदि आप कैंसर के मरीज़ हैं या फिर आने वाले भविष्य में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से बचना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पर इसका सेवन ज़रूर करें। खास करके महिलाओं में स्तन कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये इलायची स्तन कैंसर में बहुत हेल्प करती है, उसको दूर करने में, उसे ख़त्म करने में, स्तन कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनको मारने में, उन्हें ख़त्म करने में, उन्हें बढ़ने से रोकने में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज से भी भरी हुई है ये। साथ ही शरीर में जो गांठें हो जाती हैं, शरीर में जो ट्यूमर्स हो जाते हैं, उन सारी बीमारियों में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है। हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे रक्त से अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे चेहरे से दाग धब्बे, झुर्रियों, झाइयों, कील, मुहासों को भी दूर करने के ये बेहद काम आती है। तो इसका यदि आप काढ़ा बना के पीते हैं, इलायची का यदि आप सेवन करते हैं, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, स्किन जवान रहेगी, एंटी एजिंग से बचेंगे आप और भी जो सैकड़ों तरीके की बीमारियां हैं उनसे भी ये बचाता है। साथ ही हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, जो गंदे पदार्थ हैं, जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है, जिससे शरीर हेल्दी बनता है, शरीर मजबूत बनता है, शरीर में रोग नहीं आते हैं, ठीक है। इसका सेवन ज़रूर करें। साथ ही हमारी स्मरण शक्ति को तीव्र करने में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यदि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मानसिक कमज़ोरी है आपको, दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं करता है, याद की गई चीज़ें अधिक देर तक याद नहीं कर पाते हैं आप, पढ़ने में दिक्कत होती है, याद करने में दिक्कत होती है, तो उन सारी कंडीशंस में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये स्मृति, ये ब्रेन के न्यूरॉन्स को हेल्दी रखने
रखने में, उन्हें बीमारियों से बचाने में ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है। बात करें इसमें एंटीसेप्टिक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, हमें संक्रमण से भी बचाता है, ये हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाता है। तो यदि आप सर्दी जुखाम खांसी बुखार इनसे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको संक्रमण हो जाता है, बहुत जल्दी आप वायरल बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये आपके शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे शरीर हेल्दी रहता है, वायरल बीमारियों से बच पाता है। और भी जो खतरनाक बीमारियाँ हैं, बुखार है, सर्दी जुकाम है, या फिर अन्य श्वसन संबंध बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उनको भी ये दूर करने के बेहद काम आता है। साथ ही भूख को भी बढ़ाता है, तो जो लोग दुबले पतले लोग हैं, खाना ठीक ढंग से नहीं खा पाते हैं या फिर भूख ही नहीं लगती है, उनके लिए इसका सेवन करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये भूख को बढ़ाएगा, जिससे आप अधिक क्वांटिटी में खाना खाएंगे, उचित खाना खाएंगे, और जब आप अच्छी क्वांटिटी में उचित क्वांटिटी में खाना खाएंगे तो वो खाना आपके शरीर को भी लगेगा। तो इसका सेवन ज़रूर करें दुबले पतले लोग, उनका शरीर हष्टपुष्ट बलवान बनेगा, शरीर में वीर्य की मात्रा बढ़ेगी, जिससे वो लोग ताकतवर बनेंगे, ठीक है। साथ ही ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखने में ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है। इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है, रक्त को ये शुद्ध करता है, साथ ही शरीर से जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको ये बाहर निकालता है, जिससे हमारे हृदय के संकुचन हृदय के जो फैलाव है उसमें बहुत सरलता मिलती है, उसमें एक सुचारूपना आता है। तो इसका यदि आप सेवन करते हैं तो ये हृदय को स्वस्थ रखता है, हृदय को मजबूत रखता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, और आपके हृदय को ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही इसका उपयोग हम लोग माउथ फ्रेशनर की तरह भी करते हैं। यदि आपके मुख में दुर्गंध आती है, पायरिया वगैरह है, मुंह में संक्रमण वगैरह है, गले में इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, या फिर मसूड़ों में भी इन्फेक्शन वगैरह है, तो उन सारी कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती है। आजकल तरह तरह के मार्केट में माउथ फ्रेशनर्स आ गए हैं, जिसमें केवल केमिकल्स होते हैं और वो केवल मुख की दुर्गंध को दूर करने के काम आते हैं, लेकिन ये औषधि आपके मुँह में बैक्टीरिया वायरस संक्रमण या फिर मसूड़ों में जो सूजन हो जाती है, पायरिया वगैरह हो जाता है, गले में इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, गले में संक्रमण हो जाता है, उन सारी कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इसका सेवन करना बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि हमारे ब्लड में शुगर के स्तर को कंट्रोल करने के बेहद काम आती है। तो यदि आप हाई डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या फिर डायबिटीज़ से फैलने वाली अन्य बीमारियों से परेशान हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में इसका सेवन ज़रूर करें। ये हमारे ब्लड में इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे हाई डायबिटीज़ को बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही यदि आप एंजाइटी के मरीज़ हैं, मतलब हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, नींद नहीं आती है, काम करने में मन नहीं लगता है, डिप्रेशन के मरीज़ हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें तनाव से दूर करने के बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, ये हमारे ब्रेन में डोपामीन नामक जो रासायनिक पदार्थ होता है उसकी मात्रा को बढ़ाता है, चिंता को हमसे दूर रखता है। तो यदि आप इसका सेवन करते हैं तो दिमाग अच्छे से काम करेगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स स्वस्थ रहेंगे, साथ ही एंजाइटी वगैरह डिप्रेशन वगैरह बहुत ही आसानी से दूर करने में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। साथ ही यदि आप डाइजेशन के मरीज़ हैं, खाना ठीक ढंग से पचता नहीं है, कब्ज़ बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसमें फाइबर और भी बहुत सारे इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे पेट में पाचक रस की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे खाया गया खाना पचता है, शरीर को लगता है, साथ ही कब्ज़ वगैरह ये नहीं बनने देता। बवासीर के मरीज़ हैं, अल्सर के मरीज़ हैं, तो उन सारी कंडीशंस में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसका सेवन करें, बहुत सारे गुणों का खजाना है ये, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स, बहुत सारे इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं, जो कि आपको किन्हीं अन्य एलोपैथ की दवाओं में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका रेगुलर बेसिस पर सेवन करें, इससे होने वाले फ़ायदों को लें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, अपने जीवन को एक नई दिशा दें। साथ ही इसका यदि आपको सेवन करना है तो मॉर्निंग में आप 1 से 2 इलायची लीजिए, उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, या फिर नॉर्मली खाना खाने के बाद भी एक इलायची का सेवन कर सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही अन्य सैकड़ों तरीके से भी ये काम करता है। खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका पाउडर लेकर के इसका आप काढ़ा बना सकते हैं, खाली पेट इसको पी सकते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है।
ठीक है मित्रों, तो आई होप कि आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए फिर, नमस्कार।